है क्या कहा? आगे बैठा लूं? रुको पहले पीछे कर लूं मैं। हाँ आगे नहीं आओगे, दोबारा चलेंगे हम दोनों, ठीक है? या तुम उतर जाओ बच्चा, हम तुम दोनों चलना, फिर इनको घुमा लूं मैं। जाओ उतर जाओ भाई। यार बच्चों की कितनी खुशी मिल रही है, सीरियसली बच्चों के साथ मेरे को भी हैप्पीनेस मिल गई। चलो रुको रुको रुको, लो ओ, क्या बेटा अभी घुमाया था? नहीं झूठ मत बोलना, अभी घुमाया था नहीं तुम्हें? तो फिर सो गाइस, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक बहुत अच्छे गेमिंग प्लेटफॉर्म के बारे में बताने वाला हूँ। एक मिनट गाइस, शायद मेरे पास कोई मैसेज आया है। And I found a cool site for a bet and own 18,000 rupees in the game aviator. I am see you the link. Check it out. So guys, यार ये गेम तो मैं खेल चुका हूँ। इस गेम का नाम है aviator और guys ये प्रेजेंट करता है forabet.com। And guys बहुत अच्छा ये प्लेटफॉर्म है, यहाँ पर आप बहुत सारा पैसा अर्न कर सकते हो। एंड गाइज मैं बताऊंगा आपको आपको पैसे यहाँ पे कैसे अर्न करना है, तो चलिए मैं बताता हूँ आपको। सो गाइज यहाँ पे हम 1000 रुपीज की बेट लगा देंगे। ये देखिए गाइज जा रहा है, जा रहा है, जा रहा है। ओह शिट। तो गाइज कोई बात नहीं, यहाँ पे आपको सैड नहीं होना है, हम दोबारा से बैट लगाएंगे। एंड यहाँ पे आपको 100% प्रॉफिट मिलने वाला है। सो इस बार हम 4000 की बैट लगा देते हैं गाइज। तो ये बैट मैंने लगा दी है। तो गाइज जा रहा है, जा रहा है, जा रहा है, जा रहा है। यस। सो गाइज देख सकते हो यहाँ पे मैंने 7760 रुपए जीत लिए। एंड गाइज बहुत आसान तरीका, बहुत सारा पैसा हम अर्न कर सकते हैं। एक बार आपको और मैं खेल के दिखा देता हूँ। तो गाइज फिर से मैंने बैट लगा दी है यहाँ पे। एंड ये देखिए गाइज जा रहा है, जा रहा है, जा रहा है। यस गाइज दोबारा से फिर मैंने पैसे विन कर लिए। एंड गाइज आप सोच रहे होंगे यार ये जो पैसा हमने जीता है इसको विड्रॉ कैसे करना है, तो आप बहुत आसान तरीके से अपने डायरेक्ट अपने बैंक अकाउंट में आप विड्रॉ कर सकते हो। एंड गाइस दूसरी बात, जो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया, अगर आप उससे साइन अप करते हो तो आपको 700 रुपए का बोनस भी मिलेगा। सो गाइस किसका वेट करो, जाओ डिस्क्रिप्शन लिंक में एंड साइन अप करिए और कमाइए बहुत सारा पैसा forabet पे। तो हेमंत लो जी भी और बैग हो गया तुम्हारा नए ब्लॉग के अंदर। तो भाई कैसे आप लोग, होप करता हूँ सब अच्छे होंगे भाई। एक्चुअली अभी मैंने किया है नाश्ता वास्ता, तो यार एक्चुअली सब करते हैं भाई नाश्ते से पहले ब्रश। यार आज मेरा ना याद नहीं, एक्चुअली बात ये है, तो मैंने कहा नाश्ता वास्ता कर लूँ उसके बाद कर लेते हैं, वरना दांत में पीले पीले अलग ही दिखेगा भाई। तो अलग ही लेवल का आज इंट्रो हो गया तुम्हारे भाई का। तो भाई हाँ, तो भाई अपना एक कुत्ता है बैठा है इधर, कैसा भाई कुत्ते? तो अभी हमने नाश्ता वास्ता किया था उधर रखा है, और इधर सलाद वलाद कट रही है। एक्चुअली यार मेरे को हो रही है खांसी, तो मैं बिरयानी शिरयानी खा नहीं सकता। मम्मी ने आज बनाई है बिरयानी, तो सलाद वलाद काट रही है मम्मी अंदर बैठी हुई। तो मम्मी को जैसे बताया तो मैं दिखा नहीं सकते, एक मिनट रुक जाओ थूक लूँ मैं। पान खाया भाई भैया आज, तो मैं लग रहा हूँ मैं तम्बाकू वाला है। तो भाई आज है हमारा सेकंड कॉलेज का डे, मतलब आज मैं ड्रेस में नहीं जा रहा हूँ, क्योंकि तुम्हें बताया ड्रेस में भाई नहीं चलती यार, नहीं चलती बाइक सीरियसली। कल इतना लेवल का सीन उड़ता बहुत ही ज़्यादा। क्या कर रहा, सलाद में डाल रहा? अच्छा मुँह, ये आहू कहाँ से सीखा यार तूने? ये मेरा डायलॉग है मेरा। तो भाई जैसा इसका मुंह है इसका डायलॉग, सो मैच करता है पूरा। सो गाइस अभी मैंने सोचा यार आज अपने घर से स्टार्ट कर ले, फेस रिवील कर देते हैं थोड़ा बहुत। बहुत बेकार लग रहा है भाई, बहुत ही गंदा लग रहा है। सो और पहले मैं यार इससे इससे फ्री हो जाऊँ, उसके बाद ही आपको मिलते हैं। या दो मिनट रुक जाओ यार। तो गाइज अभी दांत वात हो गए, ए हो गई नहीं समस्या है। सो गाइज जाएंगे कॉलेज, आज हमारा एग्जाम है तो एग्जाम देना है हमें। और मैं सोच रहा हूँ बाइक से जाऊँ, तो मैं बताया लास्ट टाइम ड्रेस में गया था मतलब कल, तो भाई मेरे से हो नहीं पाया। जो पैंट थी ना बहन की, यहाँ कैसी घुटनों पर चढ़ गई, और जो शर्ट भाई वो पेट से चिपक रही, और कभी जो टाई थी वो बार बार हेलमेट पे भाई लग रही, बहुत ही लेवल का सीन हो रहा था भाई। और आज तो मैंने सोचा भाई मैं विदाउट ड्रेस जाऊंगा, बोल दूंगा मेरे का मामा की लड़की की शादी है तो वहीं से आया हूँ, बहाने बनाने में तो मैं एक्सपर्ट हूँ भाई। और यार कल मैंने कुछ लोगों को मिलने के लिए बोला था, उसके लिए सॉरी भाई, ये ब्लॉग आएगा। और चाचू की लड़की वो क्या हो गया भाई, इसे देखियो। अच्छा मुझे बुला रही है क्या? सो गाइस फटाफट से अपनी बाइक को करते हैं कॉल स्टार्ट एंड दांत वांत साफ कर लेते हैं, मिलते हैं आपको थोड़ी सी देर में। सो
गाइस अभी घर से निकल गए थे और अभी फ्यूल शूल करा लिया है भाई। अभी मैं मिरर ना नीचे खोल देता हूँ, थोड़ा सा देखते हैं कैसी लगती है बाइक अपनी। और एक्चुअली यार मिरर खोल के एक फ़ायदा भी है, इंडिकेटर तो प्लस है ही है और साथ में इसमें पीछे का भी दिखता है, तो अब थोड़ा सही लग रही है। ESC ये क्या आ रहा है भाई? भाई मैं अभी एक मिनट बिलाल को कॉल कर लेता हूँ साइड में रुक के। ESC करके कुछ इसमें आ रहा है तो मेरे को इसके बारे में नहीं पता, एक बार पता कर लेता हूँ भाई, कंपनी में कॉल कर लेता हूँ क्या ही सीन है। हो सकता है कुछ बटन दब गया हो मेरे से या कुछ एरर आ रहा हो उसके अंदर, तो एक बार कॉल कर लेते हैं यार, मिलते हैं आपको थोड़ी सी देर में। सो गाइस अभी कॉल वॉल तो कर ली थी भाई इनको, कॉल एक्चुअली फ़ोटो भी भेज दिया है इसका। वो बोल रहे हैं भाई ये आ जाता है, बाकी अगर ये हट गया तो ठीक है, वरना अगर आता रहा तो मेरे को एक बार बता देना क्या ही इशू है, मैं एक बार देख लूँगा, कोड वगैरह कुछ चेक करना पड़ेगा। बोल रहे थे कि नॉर्मली आता है, अभी पता नहीं यार मैंने ध्यान नहीं दिया, उससे पहले आ रहा था नहीं, जैसे मैंने पेट्रोल डलवाया तो पेट्रोल के बाद ये साइन आ गया, आई डोंट नो क्या है। वो बोल रहा था भाई अभी चला के देख लो, अगर यही रहा ऐसे ही अगर ना हटा तो मेरे को कॉल वॉल कर लेना। तो चलते हैं गाइस, ये हट गया इसकी बहन का क्या सीन था भैया भाई इसको फोटो तो मैंने खैर क्लिक कर ही लिया है, तो बाकी इसको बोल दूंगा मैंने कहा भाई जैसे स्टार्ट करी तो हट गया था। और दूसरा यार जहाँ पे मैं वॉश कराता हूँ बाइक, तो वो मेरे रिलेटिव में है, तो कल यार उन्होंने बड़ा बोला मेरे को भाई कुछ लड्डू शड्डू कुछ तो खिला दे, तो भाई आज उनके लिए लड्डू लड्डू लेके आया हूँ, मिठाई शिठाई दे देगा उसको, देख लेंगे। और मेरे को एक दो काम भी आया तुम्हारे भाई को, सोच रहा था एक शूज़ ले लो यार, दोनों मेरे छोटे भाई ने ऐसी की तैसी करके सारे शूज़ वूज़ की भाई, इतने शूज़ थे मेरे पास, कुछ 7-8 जोड़ी शूज़ होंगे, बट सारे ना पहन पहन के तोड़ दिए, क्योंकि तीनों भाइयों के एक ही नंबर आता है भाई, बहन की वहाँ किसके शिफ्ट वाले की, तीनों भाई के एक ही नंबर आता है, तो इसलिए यार भाई सारे मेरे शूज़ पहन के रखते हो, और सीरियसली सारे शूज़ ख़राब कर रखे भाई, आज मैं वार्निंग दे दूँगा, पहले ही शूज़ लाते हैं मैंने, इनको हाथ मत लगा देना बहुत अच्छा वो मेरे चेल्सिया नहीं पहनते, जो मैरून कलर का पहनता हूँ आपने देखा होगा रील्स वगैरह में या भाई व्लॉग्स व्लॉग में भी, तो वो वाले शूज़ नहीं पहनते, वरना वो भी फाड़ देते अब तक, तो खैर कोई बात नहीं यार, ये भी गलत है यार, एक तीन भाई है और तीनों भाइयों को एक ही साइज आता है, छोटा बड़ा होना चाहिए था तभी मेरे शूज़ वगैरह बचते हैं, वो तो अच्छा है भाई मैं मोटा हूँ जो कपड़े नहीं आते, वरना मुझे कपड़ों के भी लाले पड़ जाते सीरियसली तो मिल जा रहा भाई सबको थोड़ी सी देर में। जहाँ पे मैं रहता हूँ वहाँ पे किसी ने न्यूज़ फैला दी कि आशु का एक्सीडेंट हो गया और साथ के साथ ख़त्म हो गया भाई, इतनी बड़ी बात मुझे जाके घर पता चली, पहले तो चलो एक्सीडेंट तक सीमित थी बट ख़त्म होने वाली बात घर जाके पता चली भाई सीरियसली बहुत दुख हुआ यार सुन के यार, ऐसा ऐसा लोग सोचते मतलब बारे में, तब की ये फेक न्यूज़ बिल्कुल फैलाई गई भाई साहब क्या ही बताऊँ। बट मैं एक बात बोलना चाहूँगा उन बहुत को, ठीक है, जिन्होंने ये न्यूज़ फैलाई है, जिनकी बुंड में खाज लगी हुई थी भाई, पहले तो खाज की दवाई ले लेना, और सेकंड थिंग सालो सबको मार के मरूंगा मैं, ऐसे नहीं मरूंगा भाई, सबसे बड़ी बात ये मुझे अपने अल्लाह पे यकीन है और मेरे मम्मी पापा की दुआएं मेरे साथ है, तो मुझे टेंशन नहीं है, और मेरी इतनी अच्छी फैमिली मेरे साथ है, तो लव यू यार सबको। एंड भाई टाइम का ऊपर वाले को पता है कब चला जाऊँ कब नहीं, बट तकब्बुर किसी को करना नहीं चाहिए, कभी घमंड नहीं करना चाहिए, घमंड आएगा नहीं, डाउन टू अर्थ हमेशा एक विलेज से बिलोंग करता हूँ बंदा, ऐसा ही रहूँगा हमेशा, बट सालो तुम लोगों को मार के मरूंगा बहन की आँख तुम्हारी। तो गाइस यार फटाफट से निकलते हैं, मिलते हैं आपको थोड़ी सी देर में। बात सुना देगा इस तुम्हें ओए ओए ओहो भाई मजा ही आ गया यार सीरियसली रिएक्शन ले लूं क्या मुझे देखना भी एग्जाम कहेगा यार, पढ़ना भी उसके बारे में कुछ, मतलब यूट्यूब पे देखूंगा, तुम्हारा भी पढ़ता था ही नहीं, फटाफट से निकलते हैं यार अब कैमरा बंद कर दूंगा यार, अब आराम से ब्लॉग व्लॉग बनेंगे तुम्हारे लिए, और आज का छोटा सा एक ब्लॉग हो जाएगा। बाकी यार एक्चुअली एक चीज़ और, बहुत सारे इंस्टाग्राम पे फेक आईडीज़ बनी हुई है भाई मेरी, जो लड़कियां वगैरह को मतलब मैसेज वगैरह करते हैं और बोलते हैं मैं आशु और उनका नंबर वगैरह लेते हैं, ऐसा ऐसा कुछ सीन है भाई, मेरे सुनने में बहुत ज़्यादा आ रहा है ये चीज़ें, तो यार मैं सबको बोलूँगा भाई मेरी जो इंस्टा आईडी है एक ही आईडी है जिसपे 20K फॉलोवर्स है, उससे अलग सारी फेक है, मैं आपको पहले ही बता दूँ, तो किसी को फॉलो मत करना, एंड जो भी अकाउंट आपको दिखे सीधा रिपोर्ट कर दो, कोई इशू नहीं है गाइज़।
बस मेरी एक ही आइडिया है, वो आपको पता ही है। जिसने अभी तक आशीर्वाद किया है चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना, जिसने अभी तक भाई फॉलो नहीं किया इंस्टाग्राम पे तो फॉलो भी कर लेना यार, लव यू हो गया सबको। बाकी अभी देखते हैं क्या ही सीन बनता है आगे का, क्या व्लॉग्स आएंगे क्या नहीं। और अभी मेरे को ओरिगन में जाना है, एक दो भाई आएंगे उन्होंने बोला था मिलने के लिए, एक दो भाई से मिलना है और दूसरा मेरे को ब्लॉग भी अपलोड करना है। तो एनी एक मेरा पेज भी है फेसबुक पे जहाँ पे मैं वीडियोस वगैरह अपलोड करता रहता हूँ, ज़्यादा व्यूज़ वगैरह तो नहीं आते हैं, नॉर्मल बस जब फ्री होता हूँ तो कर देता हूँ मैं। मेरे को 1600 फॉलोअर्स है आशु क्रिएटर करके ही है, और उस पर शायद 800 के साथ मेरा फोटो लगा हुआ है, तो उसको भी फॉलो कर लेना अगर कोई करना चाहे किसी के पास टाइम हो तो। लव ही हो गया यार सबको। बाकी पता नहीं यार क्यों क्या ही हो रहा है यार मेरे साथ मेहनत तो बहुत ज़्यादा कर रहा हूँ बट ग्रो कुछ हो नहीं पा रहा, बट कोई बात नहीं यार धीरे धीरे हो जाएगा, उम्मीद हारनी नहीं चाहिए। भले मेरे को 4-5 हज़ार लोग देख रहे हैं बट कम से कम देखते रहे जो मेरे साथ जुड़े हुए हैं यार, मतलब बहुत अच्छा लगता है कि कुछ लोग हैं इतने सारे। बट ऐसा नहीं होता, सब्सक्राइबर मायने नहीं रखते यूट्यूब पे, यूट्यूब पे होता है मेन व्यूज़ का, अगर व्यूज़ आएंगे तो आपकी अर्निंग्स होगी। और बहुत लोग ये सोचते हैं भाई यूट्यूब पे बहुत पैसा है, ऐसा कुछ नहीं है भाई, ऐसा है लेकिन जब आपके मिलियन व्यूज़ आते हो और या आप डेली ब्लॉगर हो 2 से 4 लाख व्यूज़ आपके पर डे आ रहे हो तब इसके अंदर पैसा है, वरना अभी तो घर से इन्वेस्ट करना पड़ा है, मैं खुद घर से इन्वेस्ट कर रहा हूँ यार। तो भाई व्यूज़ मेरा आप देख ही सकते हो, अभी बहुत ज़्यादा रीच डाउन चल रही है, तो कोई बात नहीं यार अल्लाह पाक सब सही करेंगे, धीरे धीरे बढ़ जाएगी। अभी थोड़ा सा मैं भी ज़्यादा ध्यान नहीं दे पा रहा हूँ तो कोई दिक्कत नहीं यार, धीरे धीरे बढ़ जाएगी। और फटाफट से चलते हैं यार, लोंडे शोंडे वेट कर रहे होंगे, मिलते हैं आपको थोड़ी सी देर में। तो गाइस अभी पहुँचने वाले ओरिगैनो और एक भाई पीछे मिल गया अपने साथ में ही। ओए 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 अच्छा भाई खड़े भाई अपने, हैं क्या कहाँ बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ बढ़िया, तुम भी आओगे इसमें? हाँ 5 रुपए दूंगा अभी पहले। कैसे हो भैया? हम कल भी आए थे शाम पर, आप मिले नहीं यार, पता है क्या कल ना पापा का कॉल आ गया था, इन्होंने हमारा अरे सॉरी यार, इतने दिन में आराम से रुको 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 रुको, मैं बैठाऊंगा आराम से, घुमा दूं यार, एक मिनट रुको में। हाँ बैठ, वो बिठा दे यार इसको बिठा दो। कैसे हो? एक मिनट रुको, इनको एक राउंड दे दूं मैं। ओए अनुभव पकड़ना, बैग पकड़ना यार मेरा। ओए इसको रुको रुको रुको, दोनों बैठना, पीछे कर लूँ पहले बाइक, पीछे कर लूँ, रुक जाओ। भाई पीछे करवाओ, मेरे से नहीं होगी बेटा, गिर मत जाना। बेटा गिर मत जाना, ध्यान रखना बस, पीछे कराओ यार थोड़ी बहुत, पीछे मेरे से नहीं होगी। आगे बैठा लूं? रुको पहले पीछे कर लूं मैं। हाँ आगे नहीं आओगे, दोबारा चलेंगे हम दोनों, ठीक है? या तुम उतर जाओ बच्चा, हम तुम दोनों चलना, फिर इनको घुमा लूं मैं। जाओ उतर जाओ, हाँ चलो बैठो आराम से बैठ जाना। ये आगे से ले लो यार। ओह भाई यार बच्चे यार मेरे को पहले भी मिले थे एक बार, ओह घुमा देते यार इनको, बढ़िया लग रही है। अच्छा तो मोड़ दूँ यहीं से, चलो 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 बेटा सीधा, लेट हो जाएंगे वहीं चलते हैं। वही यार बच्चों की कितनी खुशी मिल रही है सीरियसली, बच्चों के साथ मेरे को भी हैप्पीनेस मिल गई। चलो उतरो आराम से, इसको भी उतार लो। हाँ बैठो बैठो। चलो
भाई साहब। तो भाई पांच छह भाई आ गए हैं और इनको अपना एक राइड दे दी छोटी सी यार। इन बच्चों के साथ में बड़ी खुशी मिलती है यार सीरियसली। ओहो हो तो भाई अभी फटाफट से पहुंचे और भाई से सबसे मिल के उसके बाद वीडियो अपलोड करनी है मुझे। तो वीडियो अपलोड करने के बाद फिर निकलेंगे घर। हट जाओ हट जाओ हट जाओ हट जाओ। सोप नहीं हमेशा बाइक यहीं पे लगते हो यहीं पर। हाँ नहीं फिर बाद में अभी थोड़ी देर बाद ठीक है। हाँ आराम से उतार लो बच्चा। चलो ठीक है। अच्छा सुनो इस पर मत बैठना ठीक है, नहीं तो गिर जाएगी। ठीक है इस पर मत बैठना वरना गिर जाएगी। हाँ और बताओ भाई। ना 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 टूट जाएगी। हट जाओ उधर हो जाओ। ये एक तो गर्म हो रहा है बाबू, तुम्हारे करंट लग जाएगा इसमें फिर। ठीक है अब मत छेड़ना इसको। ठीक फोटो क्लिक कर सकते हैं। हाँ फोटो क्लिक कर लो आराम से भाई, ऊपर को बैठ के कर। हाँ हाँ कर लो कोई दिक्कत नहीं। और बताओ कैसे हो तुम? मेरे ऐसे हो रहे हो तुम मोटे मोटे बेटा, ज्यादा खा रहे हो आज? हाँ पक्का दूंगा बिल्कुल। हम मोटे हो रहे हैं तुम हो रहे हो? अरे मैं कहाँ हो रहा हूँ भैया, इतना पतला हूँ भाई साहब, इतना पतला हो गया मैं, 10R से भी पतला हो गया। अच्छा सो गाइस अभी निकलते हैं फटाफट से। लो ले भाई मेरी बहन, मैंने दे दिया था उसको, मैंने दे दिया। रुको लो ले चलो। ओहो सो यार मैंने उनको प्रॉमिस किया था कि पैसे दे के जाऊँगा मैं, तो भाई पुलिस वाले जा रहे हैं। तो क्या बेटा अभी घुमाया था? नहीं झूठ मत बोलना, अभी घुमाया था नहीं तुम्हें? तो फिर ओहो तो भाई फटाफट से निकलते हैं यार। और वीडियो यार पता नहीं आज नेटवर्क प्रॉब्लम हो रहा है यार यहाँ पे और क्या नाम है, तो एक भाई और है उनके पास चलते हैं, वहाँ पर जाके वीडियो अपलोड कर देंगे। तो चलते हैं यार। चलो ठीक है भाई, हैं अगली बार मिलेंगे। ओहो रिएक्शन देखते तुम गर्ल्स का भाई। ओह अलग ही सीन हो गया भाई। तो अभी मैं जाऊंगा यार इधर से निकल के, क्योंकि उधर से गए थे पुलिस वाले तो हम नहीं जाएंगे। मैंने केस भी सुनने में आया रुड़की में, तो उधर भी ज़्यादा पुलिस वाले होंगे भाई। अभी कैमरा साफ कर रहा था, मैंने कहा थोड़ा सा हो जाए। बाकी अभी मेन रोड से निकल के चलते हैं और वीडियो अपलोड करनी है। अभी सिर्फ 60% हुई कोई आधे घंटे में, इससे बढ़िया तो मेरी नेट तो हो जाती। एक्चुअली यहाँ पर ना वाईफाई लगा हुआ है, तो मैंने सोचा थोड़ा यूज़ कर ले यार, क्यों ना फ़ायदा उठा ले वाईफाई का। बट इसकी बहन का वाईफाई नेटवर्क ही नहीं आ रहे थे यार। क्या आवाज आ रही है यार, माँ का समाज यार लेवल की आवाज आ रही है सीरियसली भाई। हो बस यार एक बात बताऊँ आपको सीरियसली, 10R मार्केट वगैरह में चलाने के लिए नहीं है भाई। इधर मैंने देख लिया, मैं इतना देहरादून तक नहीं थकता जितना यहाँ पे थक जाता हूँ सीरियसली। बाकी आज थोड़ा सा रिएक्शन भी लेने थे, बट मैं सोच रहा हूँ पहले वीडियो अपलोड कर लेते हैं क्योंकि, और उसके बाद फिर मेरे को शॉप पे भी जाना है। कल का प्लान देखते हैं क्या सीन होगा क्या नहीं, हो सकता है देहरादून जाऊँ तो अभी कुछ पता नहीं है, क्योंकि थोड़ी करीना की भी तबीयत ख़राब चल रही है यार, उस वजह से उसने बोला भी नेक्स्ट वीक ही आना। तो देखते हैं यार जैसा भी सीन होगा गाइस। और यार मेरे को अभी शूज़ भी लेने थे और भी काम था। खैर कोई बात नहीं, चलो बाद में देखेंगे शूज़ उसका भी, थोड़ा अभी थोड़ा पैसे वैसे बचाते हैं यार। ओहो बाकी देखते हैं, अभी मैं ब्लॉग का एंड नहीं करूँगा, हो सकता है घर जाके करूँ या पापा वगैरह के साथ में। आज आपको न्यूज़ सुनाऊंगा वो जो मैं स्टार्टिंग में बात कर रहा था, आपने ब्लॉग में देखा ही होगा वो एक्सीडेंट वगैरह वाली। तो आज पापा से बात करेंगे, देखते हैं क्या बोलेंगे पापा उसके बारे में। तो भाई मिलते हैं थोड़ी सी देर में। कौन ले रहा था? मारो वीडियो आ।
ब्लड तो लग रही है भाई। Are you? ये तो ये अलग चीज है कुछ। चलाने में भी तैयार होने में आधा घंटा लगो। नहीं नए नए बंदे पे नहीं चलती, नए बंदे पे नहीं चलती जी। बहुत पावर है ना, पहले गियर में 170 जाती है। एवरेज कितना इसका? एवरेज तो 10-12 का है। 170 छ तीन सौ उड़ जा भी, उड़ भी जाती है। हाँ उड़ा देगा भाई। चलो फिर चलो चल ठीक है आराम से। ओके अभी तो लिए ये 19 लाख की है। थार भी ले गए लाने चाह दो, थार भी ले लेंगे लाने चाह दो। चलो ठीक है भाई। भाई अपने गांव की साइड मुड़ गए। एक्चुअली आजकल लोगों को बहुत ज़्यादा मोहब्बत होने लगी है। तुम समझ ही सकते हैं, जैसे कि मैं अफवाह वगैरह आपको बता रहा था। बाकी देखो पापा से भी बात करके देखेंगे अभी। सो गाइज अभी हो चुकी है बहुत ज़्यादा रात और मैं आ गया था वैसे तो घर कोई 6 बजे घर आ गया था, 6 बजे से पहले। बट फिर नमाज़ पढ़ी और फिर मगरिब की भी नमाज़ हो गई, तो उसके बाद कस्टमर वगैरह तो टाइम लग नहीं पाया। एंड भाई अपना सिल्वर प्ले बटन ये लगा हुआ है शॉप पे, ये ऐसे ही रहेगा, तब तक भी रहेगा अपना। तो ऐसा सीन है एक्चुअली भाई, देखो हम तो किसी से फूकते नहीं है, हम अपने काम से काम है। हमें शॉप पे रहना है, नमाज़ पढ़नी है, घर रहना है और बस सामान लेने में बाहर तक जाते हैं। इससे अलावा हमें किसी से कोई मतलब नहीं भाई, ना हम किसी से फूकते हैं कौन क्या ले रहा है, कौन क्या कर रहा है और किसके पास कितना पैसा है, हमें कोई मतलब नहीं है भाई। ऊपर वाले ने हमें जो दिया हम उसमें बहुत ज़्यादा हैप्पी हैं एंड बहुत ज़्यादा हैप्पी रहते हैं और ऊपर वाले से ही मांगते हैं। ऊपर वाला ही हर चीज़ देता है ना अब्बू जी, तो ऊपर वाले से मांगना चाहिए कि लोगों को देखना चाहिए जी। सारी दुनिया एक तरफ, ऊपर वाला एक तरफ। सही बात है। तो लोग कहते हैं भाई तुमने बाइक ली है हमें भी लेनी है, तो ऊपर वाला सबके सपने पूरे करेंगे इंशाल्लाह। हाँ सही बात है। तो अबू जी ये बताओ, लोग बाग ये कह रहे हैं कि पापा को ब्लॉग में ले जाओ, तो एक्चुअली यार मैंने इतनी सुपर बाइक चला ली है बट पापा ने ना आज तक मेरी एक भी बाइक नहीं चलाई है यार। तो भाई क्या चाहते हो कमेंट करके बताना भाई, पापा को आऊँ ब्लॉग में ले गया 10R चलवाए पापा पे। तो अबू जी इस बार ये तो चला लो कम से कम ये वाली। मैं ना चला के देखूँ कल को, कल को चलो राइड पे चलेंगे फिर दोनों, ठीक है। तो गाइस पापा के साथ जल्दी आपका आपके लिए अच्छा सा व्लॉग आ जाएगा। पापा को मतलब पापा से बाइक चलाएंगे और हम पीछे बैठेंगे, रिएक्शन देखेंगे पापा का क्या होगा बाइक चलाने के बाद। तो मिलते हैं आपको एक अच्छे से नेक्स्ट व्लॉग में, नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।